नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। शख्सियत में हम एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो कि अपने मेहनत और लगन से एक ऐसा मुकाम हासिल किए रहते हैं जो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। और आज हमारे साथ शख्सियत में मौजूद है एक ऐसे शख्स जिनका नाम है शमशाद अहमद, जो कि पूर्व जिला जज रह चुके हैं और अब उन्होंने राजनीति में भी अपना रुख कर लिया है। शमशाद अहमद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। मेरा नाम शमशाद अहमद, वालिद का नाम स्वर्गीय मोहम्मद जहीर। मैं 2 जुलाई 1956 ईस्वी को वर्तमान जनपद मऊ, तत्कालीन जनपद आजमगढ़ के अंतर्गत कस्बा, तहसील व थाना मोहम्मदाबाद गोहना में जन्मा। मेरा परिवार एक साधारण परिवार था, गरीब परिवार से लगाव रखने के नाते मैं बहुत अच्छे स्कूल में न जा सका, इसलिए शुरू में मेरा मानना है कि अच्छी स्कूलिंग के लिए अच्छे स्कूल में पढ़ाई किया जाना ज़रूरी है। मेरे वाली साहब बम्बई में मजदूरी करते थे, मेरी वालदा ने मुझे पहले खैराबाद, जो मोहम्मदाबाद गोहना से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है, एक मदरसे में जिसका नाम मदरसा मुंबउल उलूम है, वहाँ दाखिला कराया और वहाँ मैंने मदरसे की तालीम हासिल करने के बाद गृह शिक्षा के आधार पर मोहम्मदाबाद गोहना में स्थित नेशनल इंटर कॉलेज में दर्जा 6 में अपना एडमिशन लिया और वहीं से मैंने कक्षा 8 उत्तीर्ण किया। कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के बाद मैं चाहता था कि मेरी उस स्कूलिंग किसी अच्छे स्कूल में हो, तो मैंने बमुश्किल तमाम DAV इंटर कॉलेज मऊ में 9th क्लास में एडमिशन लिया। DAV इंटर कॉलेज मऊ, जो उस समय भी और आज भी हमारे ज़िले का बहुत ही अच्छा स्कूल माना जाता था, ज़िले के जितने ज़हीन बच्चे होते थे, पढ़ने में जो अच्छे होते थे, वे DAV इंटर कॉलेज में एडमिशन लेते थे और मैंने DAV में इसीलिए अपना एडमिशन लिया कि मैं अच्छी शिक्षा हासिल कर सकूं। उसके बाद मैंने हाई स्कूल कॉमर्स में 1972 में DAV इंटर कॉलेज मऊ से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया और मैथमेटिक्स में मेरा डिस्टिंक्शन भी था। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट भी वहीं से हासिल किया और अपनी हायर एजुकेशन को परसू करने के लिए प्रयाग विश्वविद्यालय, जिसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहते हैं, वहाँ पर मैंने BCom में एडमिशन लिया और इस प्रकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1976 में BCom की डिग्री हासिल किया और उसके बाद मैंने वहीं पे लॉ में एडमिशन लिया और 1979 में मैंने लॉ की डिग्री इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हासिल किया। उसके बाद मेरे वालदेन का सपना था कि मैं कॉम्पिटिटिव सर्विसेज में बैठकर कोई अधिकारी बनूं या न्यायाधीश बनूं ताकि
लोगों की सेवा कर सकूं। मैं पीसीएस में बैठा, आईएएस में बैठा, लेकिन अंतिम तौर से मुझे सफलता पीसीएस जे में मिली और मैं 1983 बैच में बहसियत मुनसिफ पब्लिक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के रूप में गाजीपुर में तैनात हुआ। और इस प्रकार से मेरी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई और मैंने अपना जुडिशियल कैरियर गाजीपुर से शुरू किया। सर, आपने अभी बताया कि आप गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे, इतने बड़े पद की जिम्मेदारी आपने संभाली। मैं चाहती हूँ ये जानना कि परिवार के अलावा और किसका कितना सहयोग रहा जो कि आप इस मुकाम तक पहुँचे। मेरे वालदैन का खास हौसला था, उनका सपोर्ट था और जो भी हो, जैसे भी हो, वे लोग मुझे पढ़ाने का भरसक प्रयास किया। और इसमें मेरे बड़े भाई जफर अहमद का भी बड़ा रोल था और मेरे बड़े भाई जफर अहमद भी पिताजी के साथ साथ बम्बई में मजदूरी करते थे। आपने इतना लंबा सफर तय किया, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब आप अपना मार्गदर्शक किसको मानते हैं? अपने वालदैन को पहले श्रेय देंगे, उसके बाद जो हमारे असातिज़ा क्राम थे यानी हमारे स्कूल टीचर्स, उनको इसका श्रेय देंगे। माध्यमिक शिक्षा लेवल पे यानी डीएवी इंटरमीडिएट कॉलेज में जब मैं एक स्टूडेंट के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो मुझे मेरे दो टीचर्स ने बड़ा सराहा, उनमें एक बाबू हरि नारायण राय जो वाणिज्य के प्रवक्ता थे और दूसरे लेक्चरर बाबू बीके राय जो अंग्रेजी के प्रवक्ता थे। इन लोगों ने मुझे बहुत पुश किया, बड़ा बकअप किया। और वैसे तो मैं जितने भी मेरे गुरुजन मिले, करीब करीब हर क्लास में सबने अच्छी बातें बताई और मैं अपने वालदेन के बाद उन्हीं को श्रेय दूंगा। चूंकि पढ़ने में अच्छा था इसलिए टीचर्स मुझे बहुत बकअप करते थे, पूछते थे कोई परेशानी हो, किसी तरह की कोई समस्या हो तो बताइए। वैसे मऊ में मेरी सगी बहन रहा करती थी, कटरा मऊ डीएवी कॉलेज के पास ही एक मोहल्ला है, वो मेरी बहन का भी मुझे बड़ा सपोर्ट था। वरना मोहम्मदाबाद गोहना से एक गरीब परिवार से आने के बाद मैं मऊ में मकान लेके शायद न पढ़ सकता था। और स्कूलिंग के दौरान मेरे सहपाठियों ने मेरा बड़ा सपोर्ट किया, जिनमें हाजी अब्दुल सेठ के साहबजादे अब्दुल समद साहब, हाजी अनवारुल हक और मेरे कुछ अन्य साथी भी थे जिन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। और मेरे दोस्त प्रकाश टंडन जो ब्रिज बिहारी लाल टंडन के साहबजादे थे, मऊ के चेयरमैन भी रहे, बड़े संभ्रांत लोगों में थे, उनके घर के लोगों ने भी मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मुझे पुश करते रहते थे। और मैं इंटरमीडिएट और हाई स्कूल जब मऊ में कर रहा था तो मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था, ट्यूशन से भी मुझे जो है इतना पैसा मिल जाता था कि मैं अपनी पढ़ाई को जारी रख सकूँ। इसलिए कुल मिला जुला के मुझे बहुत लोग इज्जत देते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, बड़ी हौसला अफजाई करते थे। इसलिए अपने दोस्तों और साथियों का मैं बड़ा लिहाज और ख्याल करता हूँ और आज भी वे बड़ी इज्जत की निगाह से मुझे देखते हैं कि मैं सर्विस के दौरान भी उनसे मिलता जुलता रहा, अपने एरिए के लोगों से जो इंटरेक्ट करता रहा, जो भी जिस लायक मैं था मैं अपने लेवल से अपने पदों का स्वतंत्रता निष्पक्षता पूर्वक निर्वहन करने के साथ साथ जो कुछ भी लीगल ओपिनियन या कोई जो है लीगल प्रॉब्लम किसी की होती थी तो उसको मैं सलाह मशवरे के जरिए उनको जो है अपनी राय दिया करता था। और मैं ख़ास तौर से अपनी पढ़ाई के दौरान से ही
जो समाज के दबे कुचले उपेक्षित वंचित और बच्चे महिलाएं कमजोर तबके के लोग जो थे उनको तो मैं बहुत ही प्रेम करता था, बहुत ही लिहाज करता था और उनकी समस्याओं को विशेष ध्यान देकर उनका मार्गदर्शन करता रहा ताकि उनको कोई कानूनी दिक्कत हो तो वो मुझसे गाइडेंस ले ले। और भी हमारे समाज के जो लोग थे उन्होंने भी जो है मुझसे गाइडेंस लिया और मैं गाइडेंस देता रहा, उनकी देखरेख में उनके संरक्षण में मेरी पढ़ाई जारी रही। आप न्यायपालिका की कुर्सी पर बैठे, न्यायपालिका की कुर्सी का कोई ऐसा किस्सा या अनुभव या अभी तक के जिंदगी का कोई ऐसा अनुभव जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं? मैं इलाहाबाद में बतौर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में तैनात था। मेरे समक्ष एक मामला आया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में एक गैंग था, एक गिरोह था जिसमें कुछ वकला साहबान शामिल थे, कुछ उनके क्लर्क्स शामिल थे और माननीय उच्च न्यायालय के कुछ जो है क्रिटिकल स्टाफ के लोग भी शामिल थे। वो जो जैसा चाहता था उसी की मर्जी के मुताबिक सर्टिफाइड ऑर्डर्स इशू किया करते थे। जैसे किसी की बेल स्वीकृत हुई तो अस्वीकृत अगर चाहता है तो अ बढ़ा देते थे, अस्वीकृत हुई है तो उसको स्वीकृत का अगर बेल चाहिए तो आ हटा देते थे। गर्स की मनचाहा आदेश चाहने के लिए वो एक ग्रुप था जो काम करता था और इसको माननीय उच्च न्यायालय ने के संज्ञान में ये बात आई तो माननीय उच्च न्यायालय ने इसकी जांच कराई और उसमें दोषी लोगों को जो है दंडित किया और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के साथ साथ और भी सुसंगत धाराओं में ट्रायल चला। वो ट्रायल जब मेरे पास आया तो मैंने उसको स्टडी किया तो देखा कि कई मेरे पूर्व अपर जिला एवं सत्र ने जो है उसको टालने का प्रयास किया जबकि उसमें माननीय उच्च न्यायालय का जुडिशियल साइड में टाइम बाउंड डायरेक्शन था और वो टाइम गुजर चुका था लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। इत्तेफाक से मेरे पास जब वो फाइल आई तो मैंने स्टडी करने के बाद देखा तो मैंने कहा ये तो भाई टाइम बाउंड ट्रायल के लिए कहा गया था, संभवतः लोग इसलिए टालते रहे कि हम लोग अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश होने के बावजूद भी माननीय उच्च न्यायालय के सबॉर्डिनेशन में थे इसलिए नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा जो फैसला हो जिससे जो है माननीय उच्च न्यायालय नाराज हो। कोई भी माथा थोता है तो सोचता है कि जो है इसमें अगर अपने सुपीरियर लोग जो है किसी भी तरह से किसी भी क्षमता में कनेक्टेड हो, चाहे प्रोसिक्यूशन से हो चाहे डिफेंस से हो, तो ऐसी दशा में उसको टालना ही बेहतर समझते हैं। लेकिन मैंने अपनी स्वतंत्रता निष्पक्षता एवं निर्भीकता का परिचय देते हुए एक जागरूक न्यायिक अधिकारी के रूप में उस पत्रावली को सेशन ट्रायल को चुनौती के रूप में लिया और उसमें आगे की कार्यवाही शुरू किया और उसमें माननीय उच्च न्यायालय की ओर से उसका नाम ही था मुकदमे का रजिस्ट्रार जनरल अलाहाबाद हाईकोर्ट वर्सेस मुलजिमों का जो नाम रहा हो एंड अदर्स, तो चूंकि हाईकोर्ट खुद जो है उसमें जो कॉम्प्लेनेंट थी तो हाईकोर्ट की तरफ से मुझे याद है कि इत्तेफाक से मेरे ही सीनियर मोहम्मद तारिक साहब जो मेरे हॉस्टल में भी सीनियर थे, सर्विस में भी सीनियर थे और मेरे बहुत ही करम फरमाओं में थे, बड़े भाई थे इसलिए हम लोग उनको उनकी बड़ी इज्जत करते थे, वो हाईकोर्ट की तरफ से गवाही में पेश हुए। वो उस वक्त OSD लिटिगेशन हुआ करते थे माननीय उच्च न्यायालय में और उन्होंने गवाही दी और भी गवाही आई, मुकदमा कंप्लीट हुआ, प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज हुई, इस 313 का जो है मुलजमान का जो है बयान हुआ, उसके बाद डिफेंस और आर्गुमेंट के बाद वो फैसले में फाइल लगी। मैंने 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 वो फैसला जो है किया और जो है
हाई कोर्ट की ओर से मेरे जो सीनियर पेश हुए थे बहसियत अभियोजन साक्षी के मोहम्मद तारिक मोहम्मद खान साहब, उनको मैंने डिसबिलीव किया और मैंने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। जो लोग गलत फंसाए गए थे, एक्चुअली मैंने ये पाया कि जो उसमें इन्वॉल्व थे, संलिप्त थे उस अपराध में, उनको जो मुलजिमी नहीं बनाया गया। जो लोग संलिप्त नहीं थे, जिनकी कोई भूमिका नहीं थी और क्लरिकल रोल था, कोई कहीं से कोई उनके खिलाफ एविडेंस नहीं थी, उनको मुलजिम बना दिया गया था। इसलिए मैंने अपने न्यायिक दायित्व का परिचय देते हुए उन्हें बाइज्जत बरी किया। मेरा मानना है कि न्याय निष्पादन एक ईश्वरीय कार्य है। न्याय से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति होता है, चाहे वह अधिवक्ता हो, चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे वो डिफेंस काउंसिल हो, चाहे वो प्राधिकरण की ओर से हो, चाहे छोटा से छोटा कर्मचारी हो जिसे चतुर्थ श्रेणी कर्म जमादार और आर्डली कहते हैं, ये सब लोग जो है न्याय कार्य से जुड़े होते हैं। इसलिए सबकी एक खास भूमिका होती है और उनका जो व्यक्तित्व होता है वो डिवाइन पर्सनैलिटी के रूप में होता है। और जज का काम चूँकि सेपरेशन ऑफ चेफ फ्रॉम द ग्रेन होता है, अनाज से भूसे को अलग करने का होता है, इसलिए ये जितने लोग इसमें शामिल हैं वे सब जो है ये उस नेक काम में शामिल होते हैं, जिसका जो है ऊपर वाला जो है भी अजर देता है। अगर किसी को जो है न्याय मिल गया तो कितनी दुआ देगा। कहा है किसी शायर ने के तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी किसी के पैर के कांटे निकाल कर देखो। तो अगर किसी के पैर का कांटा अगर जो गलत तरीके से धस गया है, उसको जो है गलत तरीके से फंसाया गया है, उसको न्याय मिल जाए तो कितनी उसको खुशी होती है। और ये जो है एक जो सेटिस्फेक्शन होता है, ये डिवाइन सेटिस्फेक्शन होता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के बाद आपने राजनीति में कैसे आने को सोचा? मैं 2016 में रिटायर हुआ जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से। उसके बाद मैं 5 साल के लिए चेयरमैन कंज्यूमर डिस्प्यूट रजिस्ट्रेशन कमीशन जौनपुर था और मेरे पास तमाम जो है कई जिलों का चार्ज था। गाजीपुर की जिम्मेदारी मेरे पास थी, आजमगढ़ की जिम्मेदारी मेरे पास थी और भदोही की जिम्मेदारी थी, अमेठी की जिम्मेदारी थी। सबको मैंने खूबसूरती से निभाया, वहाँ से भी बाइज्जत मैं रिटायर हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि बेकार बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों न समाज के दबे कुचले, कमज़ोर, उपेक्षित, वंचित महिलाएं, वार विडोज, ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता दिया जाए और कानूनी सहायता देकर उनको जो है उनके अधिकारों से अवगत कराते हुए उन्हें उनके अपने फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ दायित्वों की भी जानकारी कराई जाए। इसीलिए मैंने विधिक प्रोफेशन किया और मैं माननीय उच्च न्यायालय में बहैसियत अधिवक्ता के जो है प्रैक्टिस शुरू किया। साथ में मेरा बेटा मोहम्मद शहजाद भी है जो मेरे साथ प्रैक्टिस करता है और मेरी बेटी भी है जिसका जो रायबरेली में जिसकी शादी हुई है और उसका हस्बैंड वहीं डॉक्टर है, वो भी मेरे साथ जो है प्रैक्टिस कर रही है। मेरे पास जूनियर एडवोकेट्स की एक अच्छी खासी टीम है मेरे साथ, वो कई लोग और हैं और मैं अपने अनुभवों से जो है और अधिवक्तागण को जो है बताता रहता हूँ, उससे गाइडेंस लेते रहते हैं लोग। एक अच्छे खासे अधिवक्तागण की टीम है। अभी जिस दिन हाई कोर्ट बंद हो रहा था उसी दिन एक DRI के वकील साहब हैं दुबे साहब और जो है एक रिटायर्ड रजिस्ट्रार हैं और एक SPO हैं, सब ने कहा कि साहब आपका एक बार में लेक्चर करा दिया जाए ताकि हम लोग जो है आपके अनुभवों से जो है लाभान्वित होते रहें। तो मेरा हमेशा प्रयास होता है कि मैं अपने जो अनुभव हैं, अपना थोड़ा मोड़ा जो ज्ञान है, उससे लोगों को जो है अभी सिंचित करता रहूं और लाभान्वित करता रहूं। सर, देश में तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? मैंने इस पर काफी चिंतन किया, मनन किया जी। और
गौर व फिक्र करने के बाद मैंने अपने साथियों से, जहाँ का मैं पढ़ा लिखा हूँ, पला बढ़ा हूँ, मऊ मोहम्मदाबाद गोहना के जो हमारे साथी हैं, घोसी के जो साथी हैं, मैंने उनसे मशवरा किया। यहाँ हम लोग सुबह जो है गोमती नगर में हमारी एक सिविल सोसाइटी में काफ़ी सीनियर लोग टहलते हैं, जिनमें कई सेक्टरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहे हैं और सीनियर सीनियर आईएएस अफसर्स हैं, और हमारे माननीय रवि राय साहब हैं जो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट रहे अपने ज़माने के। तो उनसे मशवरे किया तो उन लोगों ने भी जो है कहा कि ठीक है, आप पॉलिटिक्स में आइए, अगर खिदमत खल का आपका जज्बा है तो आपकी ज़रूरत है, आपको आना चाहिए। तो मैंने देखा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें मुझे कांग्रेस सबसे बेहतर लगी। कांग्रेस का इतिहास मैंने देखा, कांग्रेस ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बड़ी कुर्बानी की है, अंग्रेज़ों को भगाने में कांग्रेसियों ने बड़ा रोल प्ले किया है, और कांग्रेस में सबका मान सम्मान है, और दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक और के साथ साथ जो हमारे उच्च तबके के भाई बंधु हैं उनकी भी बड़ी इज्जत है, और वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड इंडिपेंडेंस की बात कही है, उसकी सही तर्जुमानी कांग्रेस करती है, इसलिए कांग्रेस में बेहतर स्कोप है काम करने का, और कांग्रेस के बैनर तले लोगों की बेहतर ढंग से जो है मदद की जा सकती है, खिदमत की जा सकती है। मैंने राजनीति को एक प्रोफेशन के तौर पे नहीं चुना है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैंने इसको जो है एक खिदमत खल के रूप में लेते हुए राजनीति ज्वाइन की है। मेरा कोई इस तरह का मकसद नहीं है कि मैं इससे जो है प्रोफेशन के तौर पे कोई लाभ ले सकूं, और इस समय जो हमारे सामने चुनौतियां जो हैं, नफरत का माहौल बिल्कुल जो है सर चढ़ के बोल रहा है, सोसाइटी में एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन नज़र आता है, पहले ये सब बातें नहीं थी, इधर काफ़ी कटुता बढ़ गई है, और नफरत को कम करने और कराने के लिए अगर कांग्रेस का हाथ मजबूत किया जाए तो इससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो संविधान का सपना था वो भी साकार होगा, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सपना देखा था वो भी साकार हो सकेगा, और जो है अंतिम पंक्ति पर, जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है उसको जो है न्याय देने और दिलाने में जो है हमारी कांग्रेस जो है बहुत अग्रणी भूमिका निभा सकती है, और सुशासन के लिए भी ये ज़रूरी है कि कांग्रेस के हाथों को मजबूत किया जाए। विधि का शासन आज नहीं है, विधि का शासन स्थापित करने के लिए कानून से संबंधित जो कानूनी विशेषज्ञ लोग हैं उन सबको आगे आना चाहिए, और जो सेकुलर फोर्सेस हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी सेकुलर फोर्सेस की तर्जुमानी कर रही हो उसके हाथों को, उसके कंधों को मजबूत किया जाए, और देश में सुशासन और बराबरी के साथ साथ मोहब्बत का पैगाम जो है आम हो सके। हमारे राहुल जी ने जो है इस नफरत के माहौल में कई मीटिंग्स में कहा है, अपने उद्बोधनों में ये कहा है कि हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान सजाने का काम कर रहे हैं, इसलिए जो भी मोहब्बत के अलम बरदार हैं वे सब आमें, और जो है हमारे जो है इस पैगाम को जो है आगे बढ़ावें। जिस दिन मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया पीसीसी कार्यालय में, उस दिन हमारे अध्यक्ष माननीय अजय राय साहब ने भी इस बात पे जोर दिया कि जो है ये जितनी सेकुलर फोर्सेज हैं वे आमें, और जो है मोहब्बत के पैगाम को आम करें। राहुल जी ने जो क्षमा जलाई है उसको और
रोशन करें। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि काश नफरत की ये दीवार गिरा दे कोई, हम दोस्त हैं दुश्मन नहीं ये बात बता दे कोई। न्याय की कुर्सी पर बैठकर आपने कई बार न्याय किया होगा, लेकिन एक पार्टी से जुड़े होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि देश में अभी आपको कौन सी बड़ी बड़ी समस्या नजर आती है? इस वक्त हमारे सामने, हमारे देश के सामने बहुत विकराल समस्याएं हैं, खास तौर से महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नफरत, असमानता, ये सब मुख्य बिंदु हैं। इन पे खास तौर से काम करने की जरूरत है। हमारी जो महिलाएं हैं उनको कैसे सशक्त किया जा सकता है जी। महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम करने की जरूरत है। और जो समाज हमारा बिखरा हुआ है, जो आदमी आदमी के बीच खाई पैदा की गई है, उस खाई को बिल्कुल कम कर दिया जाए और मोहब्बत और भाईचारा का जो संदेश है उसको आम किया जाए। हमारी जो सभ्यता है, जिसे भारतीय सभ्यता कहते हैं, इंडियन कल्चर, उसमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ असिमिलेशन इन इंडियन कल्चर की बात कही जाती है, उसको भी मजबूत करने की जरूरत है, ताकि सब लोग अपनी अपनी तहजीब के दृष्टिगत अपनी अपनी परिपाटी को, जो उनके समाज की परिपाटी है, जो उनके समाज की जो है अच्छी बातें हैं, जो रस्म और रिवाज है, उसको जो है मजबूत कर सकें और उस पर गामजन रह के अपने अपने समाज का फायदा कर सकें। क्योंकि जब एक एक समाज हमारा जो है मुत्तहिद तौर से जो है ताकतवर बनेगा, तो इससे हमारा देश मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा और जो है पूरी दुनिया में जो है बराबरी कायम होगी और हिंदुस्तान का नाम रोशन हो सकेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शमशाद अहमद, जो कि पूर्व जिला जज रह चुके हैं, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर इंसान चाहता है तो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है अपनी मेहनत और लगन से। दोबारा एक ऐसे शख्स के साथ मैं फिर मिलूंगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी।